वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आ चुका हूँ ब्रिज में, खड़ा हूँ ब्रिज नंबर 58 पे। यहाँ ब्रिज नंबर 58 भी है वो टनल। ये है टनल नंबर 12 का P2 और इसके अंदर जो है पटरी, लाइटिंग सब कुछ हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ये ऑलमोस्ट डन है। काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही है तो बाहर पानी पूरे तरीके से इकट्ठा हो गया। और ये है इसका ब्रिज नंबर बिल्कुल इसके सामने, ये है ब्रिज नंबर 58। ये दो ब्रिज साथ में, ये बीच में रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग्स बन रही हैं और ये बीच में आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर पटरीज डल गई हैं, पटरी के जो रॉड हैं वो रख दिए हैं। दो ट्रेनें यहाँ, ये मिनी रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ट्रेनें जो है वो क्रॉस करेंगी और एक लोकल स्टेशन भी बनेगा। और आसपास यहाँ पूरे कंपनी के जो है वो लगे हुए हैं, जो लेबर के लिए और नीचे काम के लिए जितने भी जो भी कंपनी का काम होता है वो यहाँ से ही होता है, इन क्वार्टर से। और यहाँ पे कुछ कैंटीन्स और इस साइड, और अगर इस ब्रिज की इस अगर हम ये ब्रिज जो है ये अफगान कंपनी ने जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया है। और अभी जो वो सामने वाला ब्रिज आपको दिख रहा होगा T13 है और उसको जो VCCL कंस्ट्रक्ट करवा रही है अंडर जो है अंडर KRCL के। और इस साइड ये ब्रिज नंबर 12 है और इसके पीछे ये जम्मू वाली साइड है, ये वाली जम्मू वाली साइड है और ये जो है कश्मीर वाली साइड है। और आसपास बिल्कुल पहाड़ी, और ये गांव काफ़ी फेमस है। वैसे भी इस गांव का जो है लोकल नाम डुग्गा है। इस गांव की ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो हमारी सिंगर जो है मन्नत नूर, जिनका लॉन्ग लाची गाना काफ़ी फेमस हुआ था, बिलियंस में उसके व्यू गए थे, वो भी इसी गांव से जो है वो बिलोंग करती हैं। तो इसलिए भी ये गांव काफ़ी फेमस है और यहां से ट्रेन जो है वो होते हुए कश्मीर की ओर जाएगी। अगर हम इस टनल की बात करें, इसके अंदर पूरा काम कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर मेन रोड ये जा रहा है इस साइड से, ये बिल्कुल सावलाकोट से होते हुए जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। और इस पे भी ब्रिज पे भी काम कंप्लीट हो गया और टनल का भी काम कंप्लीट हो गया है। अभी जो है बीच में सिर्फ रेलवे स्टेशन का, नेक्स्ट वीडियो में रेलवे स्टेशन की डालूंगा और उसके बाद T13 में काम चल रहा है। यही टनल है जिसमें काम चल रहा है अभी। इस साइड आपको ये दिख रहे होंगे, ये पटरी रखी गई है पूरी ला के, और एक जो डल भी रही है साथ साथ में, डल भी रही है और साथ साथ में जो है ला के रखी गई है और लेबर को रुकने के लिए यहाँ पे। अभी मॉनसून का महीना चल रहा है, आसपास पूरे जो है हरियाली छाई हुई है। और यहाँ के रोड काफ़ी जो है वो थ्रिलिंग रहते हैं, काफ़ी ख़तरनाक एडवेंचरस रहते हैं। और जो ऊपर मेन रोड है, लेकिन ये जो आसपास रोड हैं ये काफ़ी ख़तरनाक रहते हैं। यहाँ काम करने में लेबर को भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड भी हुआ करता था पहले, अभी जो है ये लैंडस्लाइड जो है वो थोड़ा रुक गया है। नहीं तो ये लैंडस्लाइड इस टनल के ऊपर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई, लेबर को भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती है, इंजीनियर्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती है। इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए इन पहाड़ों के बीच में से जो वो ट्रेन एक दिन कश्मीर पहुँचेगी, एक दिन क्या बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। बस कुछ ही जो है वो प्रोजेक्ट बचे हैं, उसके बाद ट्रेन सीधी जो है वो कश्मीर में पहुंच जाएगी। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ऐसी वीडियोस में और डालूंगा अभी कुछ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय बाय।